तो गाइस मैं अभी साइबर क्राइम में अभी आया हूँ, अपनी जो मेरी आईडी जो किसी ने हैक कर दी भाई उसकी रिपोर्ट में करवाने आया हूँ। तो गाइस रिपोर्ट में मैंने पूरी करवा दी है, तो मेरे जितने भी भाई के जितने भी फॉलोवर्स हैं और जितने भी फ्रेंड है, तो भाई सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरी पुराने वाली आईडी भाई उसके ऊपर जाकर रिपोर्ट मारने जाके रिपोर्ट जाके आपको उसको ब्लॉक करना है। बिल्कुल परेशान हूँ, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया भाई, दो दिन से भाई सोया नहीं हूँ मैं। सुबह से अभी मैं गया था भाई पुलिस स्टेशन भाई, वहाँ पे भी मैं जो FIR वगैरह पूरी करवा के भाई हम आ चुके हैं। भाई सुबह से उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई इंक्वायरी वगैरह करेंगे, तो अभी फिलहाल भी हम FIR में करवा के आ गए भाई साइबर पुलिस स्टेशन। एंड भाई फिलहाल तो वो जो हमारा पुलिस स्टेशन वाला जो काम था भाई वो तो हमें करवा दिया। एंड भाई इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है भाई जो इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ने से। एंड भाई अभी यहाँ पे देख रहे हो भाई वॉलपेपर कितने सारे ब्लॉगर्स भाई यहाँ पे नाम लिखे थे भाई, इतनी हमने जो बाइकें थी भाई हमने रैप की हुई है। तो गाइस जो ये मेहनत थी भाई हमारी, तो भाई कम से कम भाई ये 4-5 साल की मेहनत थी भाई, लुक होता भाई चीज़ों पर। अगर भाई जब भी आप इंस्टाग्राम पर किसी का भाई देखते हो तो भाई रील्स वाला या रील्स पर देखते हो तो भाई दिल करता कि आपका जो हैंडल था भाई वो भी मतलब इतना ज़्यादा रीच वाला था। आपको गाइस आपको बिलीव नहीं है भाई जो मेरा इंस्टाग्राम वाला जो हैंडल है भाई जो हैक वगैरह हो चुका है भाई, उसके ऊपर जो रीच थी भाई उसके ऊपर भाई मिलियन व्यूज़ आते थे। एंड भाई लाखों के हिसाब से भाई उसके जो व्यूज़ वगैरह जाते थे। तो गाइस इतनी परेशानी हो रही है भाई, मैं अब क्या बताऊँ गाइस आपको। तो गाइस मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करो भाई, अपना जो प्यार है भाई इंस्टाग्राम को, जो मेरा नया वाला पेज है भाई, क्योंकि आप ही गाइस हम मेरे को सहारा, बाकी आप जितना मेरे को अपना प्यार दिखाओगे भाई उतना आपका भाई ज़्यादा थोड़ी से मुझे मेरा टेंशन है बाकी भाई दूर होगी। जो ये वाली बॉल है यहाँ पर देख रहे हो भाई कितने यहाँ पे जो साइन वगैरह क्लिक यहाँ पर किए हुए हैं। एंड भाई जैसे यहाँ जितने भी बेस्ट ब्लॉगर्स हैं सभी की यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह किए हुए हैं। एंड भाई एक एक चीज़ को भाई मैंने इतना अपने एक मेहनत करके भाई बनाया था, और ये पूरी बॉल समझ रहे हो, क्योंकि जो ये नाम है भाई ये हज़ार से ज़्यादा होंगे, कुछ भाई हज़ार से ज़्यादा होंगे नाम, तो भाई हज़ार से ज़्यादा नाम है। तो भाई सोचो तो भाई कितना ही मेहनत की होगी जो इतनी बाइकों के ऊपर भाई रैप वगैरह किए हुआ है। एक बाइक को भी तैयार कर रहा हूँ भाई 2 से 3 दिन लग जाते हैं भाई, एक एक चीज़ को भाई पूरा सेटअप करना पड़ता है, जैसे अलॉय पेंट रैप हो गया, ग्राफिक्स हो गया, डिटेलिंग वाला काम हो गया एंड मॉडिफिकेशन वाला काम हो गया। गाइस एक एक चीज़ को जोड़ के फिर जाके एक बाइक तैयार होती है, और जब बाइक तैयार होती है तो बाइक का जो नाम जो मोटो ब्लॉगर से या जो भी बाइक की डिलीवरी लेने वाला है उस बंदे का भाई नाम भाई इस बॉल बॉल के ऊपर आता है। तो गाइस इतनी मेहनत की है भाई आपके भाई ने, तो गाइस मुझे लग रहा है कि जो मेरी मेहनत है भाई वो। तो गाइस आप चाहोगे तो भाई जो मेरा जो पुराना वाला जो भाई वो चैनल है भाई वो वापस आ सकता है। तो गाइस जो पुरानी वाली जो आईडी है भाई उसके ऊपर जाके भाई आपने रिपोर्ट मारनी है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करो। गाइस मैं तो भाई सुबह शॉप पर आता हूँ भाई, सुबह शॉप पर आने का मन भी नहीं करता है क्योंकि, और भाई काम पे दिल भी नहीं लगता है, मतलब मन नहीं करता काम करने का कि काम करूँ, मतलब करूँ या ना करूँ, मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा रहता हूँ गाइस मैं। और आपको पता है आपके भाई ने यहाँ पे देखो कितनी एक्सेसरीज वगैरह भी यहाँ पे पूरी मतलब माल वगैरह डलवा ली, ऊपर से रैक की क्वालिटी भी मतलब एकदम पूरी सेटअप पूरे कर दी हुआ है। तो गाइस इतनी मेहनत कर रहा है आपका भाई, मतलब धड़ा धड़ा भाई सामान वगैरह भी जो है पूरे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो गाइस मैंने सोचा था कि जो मेरा सिस्टम है थोड़ा और जाके आगे बढ़ेगा, जाके और ज़्यादा रील्स जो नई मेरे ब्लॉग आने थे, जो नई वाले जो मेरा जो सामान वगैरह जो मैंने उसके ब्लॉग वगैरह बनाने थे भाई कुछ भी नहीं कर पाया भाई, सारा सिस्टम पूरा बेकार हो चुका। गाइस आपकी जो गाइस यही चीज़ आपको भी पता है कि और मुझे भी पता है कि रात के भाई हमने 1-1, 2-2 बजे तक भाई बाइक की डिलीवरी दी है, और भाई पूरी पूरी रात भाई बाइकों को भाई रैप वगैरह करते थे, मतलब अपने काम में भाई इतनी ज़्यादा डेलीगेशन भाई मैंने दिखाई है ना। तो भाई हमारे J&K में भाई कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो भाई जो नाइट शिफ्ट में काम करता हो और डे वर्किंग में भी काम करता हो, मतलब ओवर टाइम लगा के भी कस्टमर को जो बाइकों की भाई डिलीवरी दी है हमने। बाकी आपने ब्लॉग में आपने देखे हैं, बाकी आप भाई मुझसे भाई आप मेरे को ज़्यादा जानते हो क्योंकि मुझे आप लोगों पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट और इतना ज़्यादा भरोसा भाई आपके ऊपर। बाकी कुछ बंदे भाई मेरे को भाई ब्लॉग में भाई हेट भी दे रहे हैं, बाकी भाई कोई टेंशन नहीं है भाई, आपका भाई मैं सबसे प्यार करता है भाई, जिस बंदे को भाई हेट देने हैं भाई वो हेट दे दे, बाकी भाई किसी को टेंशन नहीं रहता। गाइस अगर रोमियो मॉडिफायर की जो फैमिली बाकी भाई वो मेरे साथ है ना, बाकी भाई मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, बाकी मुझे किसी का कोई भी डर नहीं है। तो बाकी अपना जो पुराना वाला पेज था उसके ऊपर रीच हुई था, बाकी अपना जो नया वाला पेज है भाई उसके ऊपर भी रीच आ जाएगी, वो भी अपना सेटअप हो जाएगा। पर गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मतलब सिस्टम तो आपको पता है ठीक करने में कुछ महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। तो वैसे जो पुराना वाला चैनल था वो भी आपको पता तो है, जो मतलब 5 साल का पेज था जो मेरा इंस्टाग्राम का, वैसे वो भी फिलहाल चला गया। तो गाइस कोई चक्कर नहीं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जो नए वाले मेरे पेज के ऊपर, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।
सगर जिस बंदे ने मेरे इंस्टाग्राम को भाई हैक किया और भाई जिस बंदे ने भाई हैक करवाया हुआ है भाई, उस बंदे को भाई ऊपर वाला देखेगा क्योंकि भाई भाई मैंने अगर भाई 5 साल की मेहनत की थी ना भाई, लोग मेरे को पता है मैंने कैसे मेहनत करके अपने आप को भाई मैंने साबित किया भाई। तो बाकी भाई जिस बंदे ने भाई मेरे साथ ऐसा किया है ना भाई, तो भाई उसको भाई ऊपर वाला देखेगा भाई, बाकी मेरे को कोई टेंशन है कुछ नहीं कहना।